हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट नेट का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ब्लैकेस्ट नेट के हैशटैग पर जाकर आप इससे पहले के और आने वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं एवी टाउन में एटम कार्टर हॉल को कॉल करता है और वो बताता है कि जेन की मरने की वजह वो नहीं बल्कि एटम खुद था। उसी की वजह से और उसी की काम की तरफ ज्यादा ध्यान देने की वजह से वो उसे वक्त नहीं दे पाता था और साथ ही साथ उसके जाने का गम भी उसे ही उतना ही है और इसमें केंड्रा या उसकी कोई भी गलती नहीं है। इस पर दूसरी तरफ से हॉकमैन उससे कहता है, यहाँ आ जाओ रे, हम बात करते हैं। लेकिन हॉकमैन अब पूरी तरह से बदल चुका था और रे वहाँ जाने के लिए निकल चुका था। गौतम सिटी में जिम गॉर्डन अपनी बेटी के साथ बैट सिग्नल फोकस करके बैटमैन का इंतजार कर रहे थे, जहाँ पर बारबरा अपने पिता का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ उस बैट सिग्नल पर ग्रीन लैंटर्न आकर गिरता है। दूसरी तरफ एमनेस्टी में गार्त और मेरा वहाँ पर एक्वामैन की टॉम देखने आए थे, जहाँ पर गार्त अभी भी कह रहा था कि हमें किंग ऑफ सी के टॉम को यहाँ से हटाकर हमारे यहाँ ले जाना चाहिए। वो किंग ऑफ सी है और वो ऐसे ही लैंड और सी के बीच में फंसा नहीं रह सकता। इस पर मेरा कहती है, आर्थर इस सब में बचपन से ही फंसा हुआ है, वो लैंड और सी इन सब में बचपन से ही जूझ रहा है। लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर उसकी ग्रेव खाली थी, जिस पर गार्ड कहता है ये ओशन मास्टर या फिर ब्लैक मांटा का काम होगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक्वामैन अब ब्लैक लैंटर्न बन चुका है और वो ब्लैक लैंटर्न बनने की वजह से वहाँ खड़े सारे एटलांटियंस का फेयर स्पेक्ट्रम कलर देख सकता था और वो साथ ही साथ वहाँ के लोगों का दिल भी निकालने लगता है, जिसे पावर लेवल 2.63% हो जाती है और वो हंट करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ गौतम सिटी में बोस्टन ब्रांड अपनी कब्र पर बैठा ब्लैक हैंड की ओथ सुन रहा था, जो कि ब्लैक लैंटर्न कॉप की थी, और वो उसी के साथ अपनी बॉडी से कह रहा था, जो कि अब मर चुकी थी, कि फिर से वापस जिंदगी में मत आना, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसका ये कहना उसकी बॉडी पर कोई भी असर नहीं डालता और उसकी डेड बॉडी अब फिर से लाइफ में आ चुकी थी ब्लैक लैंटर्न रिंग के साथ। दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी में यहाँ पर दो रिंग्स टाउन हॉल और हॉक के पास आ चुकी थी, जो कि ओरिजिनल हॉक और डव थे, लेकिन उन्हें टाउन हॉल कहीं नहीं मिलती, लेकिन हॉक अब जाग चुका था। दूसरी तरफ एमनेस्टी बे में एक्वामैन सभी से लड़ रहा था और तभी वो मेरा से कहता है कि तुम अपने किंग का कहना नहीं मानोगी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिस पर मेरा कहती है, एक्वामैन कभी भी मुझे ऑर्डर नहीं देता। इस पर वो कहता है, तुम्हें हमारे बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं लगता क्या? तुम ये नहीं चाहती कि हमारा परिवार फिर से एक साथ हो? इसी बातों में वो डॉल्फिन और टुला को वहाँ पर बुला लेता है और वो दोनों ही गार्ड को पीटने लगती है और वो पीटते हुए उसे एक लाइट हाउस के अंदर फेंक देती है। दूसरी तरफ सारे एटलांटियंस ब्लैक लैंटर्न एक्वामैन को मारने के लिए वहाँ पर बढ़ रहे थे, लेकिन वो अपनी टेलीपैथिक पावर से, जिस वजह से वो सारे सी क्रिएचर से बात करता है, उसकी मदद से वो वहाँ पर किलर शार्क्स ले आता है और उन सभी एटलांटियंस को मारने लगता है और वो मेरा से कहता है कि फिर से मेरी रानी बन जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोस्टन ब्रांड की एम्प्टी ग्रेव पर स्पेक्टर, सटाना और फैंटम स्ट्रेंजर थे और वो ये तो जानते थे कि डार्कनेस अब फिर से आने वाली है और वो सभी इसी नतीजे पर पहुंचे थे कि डेडमैन की बॉडी उसी की तरह फिर से जाग चुकी है और वो वहाँ पर इंस्पेक्ट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक और ब्लैक लैंटर्न आ जाता है और उसी के शरीर में से सारी ब्लैक रिंग्स बाहर आ रही थी। और तभी वहाँ पर ब्लैक हैंड आते हुए कहता है, मैं अपने आसपास लाइफ फील कर सकता हूँ, चटना और ब्लू टीवल की और साथ ही साथ स्पेक्टर की डेथ भी, लेकिन तुम फैंटम स्ट्रेंजर, तुम्हारी बात ही अलग है। तुम ना ही जिंदा हो, ना ही मरे हुए, और ना ही तुम कुछ और हो, तुम पूरी तरह से कुछ और ही बन चुके हो, समथिंग स्ट्रेंज। और तभी एलन ऑफ अर्थ जाग चुका था, जो कि स्पेक्टर था, और अब स्पेक्टर की पावर्स भी ब्लैक लैंटर्न के रिंग के सामने घुटने टेक देती है, जहाँ पर ब्लैक हैंड कहता है, तुम्हारा मैजिक मेरे लॉर्ड के पावर के सामने कुछ भी नहीं है, तुम भी हॉकमैन और हॉक गर्ल की तरह ही फिर से राइज हो गए। और तब हम देखते हैं कि स्पेक्टर उसी फॉर्म में कैद हो जाता है और ब्लैक लैंटर्न बन जाता है। और तब हम देखते हैं कि वो अपना साइज बड़ा करके ढूंढ रहा था हेल जॉर्डन को। दूसरी तरफ हेल जॉर्डन होश में आ चुका था और वो सबसे पहले अपने रिंग की पावर लेवल चेक करता है और जिम गॉर्डन से एक कार मांगता है। दूसरी तरफ बैरी एलन मार्शियन मैनहंटर से बचने की कोशिश कर रहा था। यह एक्वामैन मेरा पर भारी पड़ रहा था, लेकिन मेरा उसका ध्यान भटकाते हुए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे वहीं पर मार देती है। और दूसरी तरफ गार्थ डॉल्फिन के सर को फ्रीज कर देता है
और मेरा वहां आकर उसके सर को फोड़ देती है, लेकिन फिर भी वो अब भी जिंदा थी। और यहाँ पर उस लाइट हाउस से ट्विला ने गार्द पर हमला शुरू कर दिया था और उसी के बाद वो गार्द का दिल निकाल लेती है। इस वजह से वो भी अब ब्लैक लैंटर्न बन चुका था। उसे बचाने के लिए मेरा आगे जाती है, लेकिन तब तक वो ब्लैक लैंटर्न बन चुका था और वो उसे उस लाइट हाउस से बाहर फेंक देता है। और उसकी दिल की वजह से पावर लेवल अब 3.43% हो चुकी थी। और ब्लैक हैंड गार्ड से कहता है, तुम सभी का स्वागत है डार्कनेस में। यहाँ पर मेरा एक गाड़ी पर जाकर गिरती है और वहाँ पर एक्वामैन उसे पुकार रहा था अपने साथ शामिल करने के लिए, लेकिन वो वहां से भाग निकलती है। दूसरी तरफ एक केमिकल प्लांट में बेरी एलन मार्शियन मैनहंटर से बचते हुए कुछ केमिकल्स मिक्स कर रहा था, और जब वो केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं तब वो मार्शियन मैनहंटर सामने खड़ा होकर कहता है, तुम्हें पता है कि कार्बन डिसल्फाइड, हेक्सेन और मिथेनॉल में कॉमन क्या है? और तभी ग्रीन लैंटर्न जिम कॉर्डन की कार लेकर वहां पर आता है और वो कहता है वो सभी फ्लेमेबल है, और ये है फ्लैश फैक्ट। और वो उसी कार को उन केमिकल्स में डाल देता है और इसी के साथ वो वहीं पर बस्ट होकर वो जगह चलने लगती है, लेकिन वो आग फैले नहीं, इस वजह से बेरी उसके आसपास घूमकर एक सर्कल बनाता है और आग उसी सर्कल में जलने लगती है एक फर्नेस की तरह। और इतना सब करने के बाद हेल जॉर्डन से फ्लैश कहता है, मेरा प्लान फॉलो करने के लिए शुक्रिया। इस पर हेल जॉर्डन कहता है, तुम्हारे प्लान में ये तो शामिल नहीं था कि मैं जाकर बैट सिग्नल पर गिरूं। दूसरी तरफ वो प्लैनेट ओवा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर ग्रीन लैंटर्न कॉप बाकी ब्लैक लैंटर्न कॉप से लड़ने में बिजी थी। और तभी हम देखते हैं कि अब अभिन सुर जागने वाला था और यहाँ पर फ्लैश उसे समझा ही रहा था कि जैसे हम ब्लैक लैंटर्न मार्शियन मैनहंटर के साथ लड़ रहे हैं, वैसे ही वो लोग भी किसी न किसी मुसीबत में फंसे होंगे। जो भी कहो, ये आग बुझने के बाद मुझे जॉन के बच्चे कुछ पार्ट ले जाकर मार्स पर रखने होंगे, क्योंकि मार्शियन मैनहंटर जस्टिस लीग का हार्ट था। और तभी उस धुएं में से आवाज आती है, हार्ट। बेरी, तुमने सही कहा, क्योंकि मैंने जस्टिस लीग के लिए अपना हार्ट दे दिया। और तभी हम देखते हैं कि ब्लैक लैंटर्न बन चुके जस्टिस लीग मेंबर्स वहां पर थे, जो कि थे मार्शियन मैनहंटर, हॉकमैन, हॉगल, राल्फ, सू और फायरस्टॉर्म। और वो सभी कह रहे थे कि हमने तो हमारा हार्ट दे दिया, अब तुम्हारी बारी है। और तब हेल जॉर्डन कहता है, मेरा नाम है हेल जॉर्डन और मैं हूँ ऑफिसर ग्रीन लैंटर्न कॉर्प का स्पेस सेक्टर 2814 से, और मैं चुना गया क्योंकि मैं कभी भी डरता नहीं था, लेकिन उस रूल बुक में डेथ के लिए कुछ भी नहीं कहा गया था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय द लाइफ, धन्यवाद और जय।